विरियाण नमो वसायाण नमो लोई मंगलम भगवान दीवो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदायु जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मान जैनम जयतुषा। छंद पढ़ें 18 नंबर का अरनाथ भगवान की स्तुति। हे अरुणाचल भगवान, आप दर दृष्टि से एक होकर भी पर्याय दृष्टि से अनेक प्रतीत होती, परंतु परमात्म से आप अनेक नहीं हैं। हमेशा ही अनेक पर्यायों के समुदाय रूप एक हैं, अनेक पर्यायों के संग्रह नहीं रूप नहीं है, एक हैं। इस प्रकार आप चेतन चमत्कार से तन्मय एक मनुष्य एक की स्थिति कर रहे हैं, अखंड एक की स्थिति कर रहे हैं। बार बार एक 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 लिखा है, अनेक देखो ऊपर में, आप अनेक नहीं, अनेक पर्यायों के समुदाय रूप एक नहीं, अनेक पर्यायों के संग्रह रूप एक नहीं, एक है आप। बहुत अच्छे। अब इसका अर्थ करते सब लोग बैठ जाए जब तक इसका क्षण पड़ेंगे। जब दृष्टि से एक रूप हो अर्जुन तुम पर यारों के समुदाय स्वरूप एक होना, तुम न उनके संग्रह तुम चित चमत्कार मय हो। हे अरनाथ जिनेन्द्र, आप द्रव दृष्टि से एक होकर भी पर्याय दृष्टि से अनेक प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में आप अनेक नहीं, आप पर्याय अपेक्षा अनेक होकर भी एक हैं, परंतु अनेक पर्यायों के संग्रह रूप नहीं, आप तो चेतन चमत्कार रूप एक। बढ़िया, बहुत सुंदर। इसका अर्थ करते हैं, सबसे पहले हे अरनाथ जिनेन्द्र, आप द्रव दृष्टि से एक होकर भी द्रव दृष्टि से अनेक प्रतीत होते हैं,
पर्याय दृष्टि से अनेक प्रतीत होते हैं। गर्भ दृष्टि से एक और पर्याय दृष्टि से, देखो कितनी गजब बात है। जो गलती पहले हुई थी नहीं बताया कि पर्याय दृष्टि से अनेक नहीं कहा, प्रतीत। बहुत फर्क पड़ गया, अनेक प्रतीत होती मैंने अनेक नहीं। अनंत प्रसार की चर्चा है, खोलूंगा इसको अच्छे से। दृढ़ दृष्टि से एक होकर भी, होकर मैंने वस्तु है, और अनेक में कह रहे हैं प्रतीत। मतलब पकड़ना बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। क्या गजब भाषा देखो आप, इतनी सुंदर भाषा। ध्यान रखना बेटी, कभी भी तुम देखना जयपुर स्मारक के बच्चे लोग बोलते हैं तो गलत ना हो। अनेक नहीं, अनेक प्रतीत होते। अनेक को पकड़ोगे तो मिथ्या, और एक को पकड़ोगे तो कभी आपको मिथ्या नहीं होगा। जैसे मैंने शब्द बोला ना, ये नाव है, नाव संसार सागर से पार होने की नाव। संसार सागर समझते हो, जितने तुम्हारे संकल्प विकल्प हैं वो संसार सागर, और उसमें से निकलने की नाव। क्रोध करते हुए को क्रोध करते हुए देख लोगे तो आपने अनेक देख लिया, एक द्रुप भी है और एक क्रोधी भी, तो आपने अनेक देख लिया। सुनो, जिस समय क्रोध दिखाई दे रहा है उस समय भी आप भाषित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, क्रोधी नहीं है, ध्रुव है। सरल दृष्टान, एक किलो सोना कितने का आएगा बेटा, बोलो अंदाज। आखिर ये लगाए ना, अरे क्या कर, अरे ऐसी गलती होगा चालू, और ठीक है समझ गए। चलो है वो चालू कर जाओ, सुन मैं क्या बोले। एक किलो सोना लगा बंदा कितने का हो, 50 लाख, कोई 50 लाख। अब हम फ्री में दें तो ले लो, दृष्टांत है, लोग ले लोगे 50 लाख का सोना फ्री में देगा, ले लो। देखिए इस शर्त है, अग्नि में तपा के देंगे गर्मा गर्म। अब बोलो बोलो, गर्मा गर्म तपा के देंगे लाल लाल। हाँ तो ले लेना, हमका मना करो तो बर्तन ले, बर्तन में देखिए कोई दिक्कत, गर्म गर्म देंगे। आप किंचित मात्र भी उस उष्णता को नहीं देखोगे, लाल पाने को नहीं देखोगे, प्रसन्न से ले लो। हाँ दे दो, तपा के दे दो, गर्म दे दो, दाल लाल दे दो, जलता हुआ दे दो, पिघला हुआ दे दो, है ना। हम 100 जूते मार के देंगे, हम 1 किलो सोना में 100 जूते मार के देंगे, पर ले लो। ये है एक प्रतीत हो रहा है, अनेक प्रतीत होता है लेकिन एक है, ये है। आप देखते हो है ना, संसार सागर की नौका दिखा तुम, इसलिए ये बहुत खराब है। खराब कैसे लग गए, एक है, खराब प्रतीत होते हैं, प्रतीत होते मैंने तुम्हारी गलती है वहां कुछ, ये आज बहुत बेकार है। तो बेकार लग रहा है, वो बेकार नहीं है। हाँ, तुम्हें ऐसा लग सकता है, अगर आप तो गुस्सा करते नहीं होगी जब आपको लगता है, तो आप तो गुस्सा, हाँ यही तो गजब है। अनंत अनुमति को नहीं, लोग व्यवहार में तो अभी संसार सागर है ना, संसार सागर, सागर मतलब विकल्पों का सागर, आकुलता का सागर है। लोग व्यवहार की खराब भी, अच्छे से खराब भी, अच्छे चलता ही रहता है दिन रात। ये पशु हटा के हम नहीं खाएंगे खाएंगे, ये सब चलता है। ऐसा होने पर भी जो संसार सागर है वो इधर संसार सागर, अब इसमें से नौका के समान एक, क्या एक है, अनेक प्रतीत होता है। अनेक प्रतीत होता है, ध्यान रखना, दर्द दृष्टि से अनेक प्रतीत नहीं होता, पर्याय दृष्टि से अनेक प्रतीत होता है। तो अलग अलग पर्याय से देखते हो प्रतीत होता है। समय दर्शन कहो या संसार सागर से पार होना कहो, वो दर्द दृष्टि से देखो, वहां तो ये करिए। अभी मैंने कितना दृष्टांत दिया, 1 किलो सोना
उबला हुआ दें, लाल लाल दें, मार पीट के दें, गाली दे के दें, जूता मारा के दें, बोलो तुम्हें सारी विविधता क्यों नहीं दिख रही जी? अब तुम झट झट भेद ज्ञान कर दिया आपने, ले लोगे हंस के, ले लोगे हंस के, लोगे हिंदो एक किलो सोना का बताया उन्हें, सो जूता मारते रहो तो हमें अभी तक रोग आ रहा, कोई भी याद नहीं आ रही, दे तो दे। मैंने नाना प्रकार का अनादर देख करके भी ध्रुव का अनादर नहीं किया। ये अनंतानुबंधी के लिए, ये अनंतानुबंधी जाने का तरीका, हम उनके साथ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? अच्छी बात है, बोलो तुम उनके साथ रहते क्या हो? उनके प्रति कसाय के साथ रहते हो क्या? रहे भाई संयोग बदलने की मत सोचो, कसाय बदलो, कसाय मिटाए नहीं क्या, बदलो अनंतानुबंधी को अब तक ख्याल में बदल। क्या कहता हूँ कुछ, क्या कह रहे हैं टेक्निकल वहां? संयोग मत बदलो, संयोग के प्रति कसाय बदलो, मिटाने की नहीं क्या, मिटाएगी तो मोक्ष हो जाए, मिटेगी तो यथा क्या चाहिए, कसाय मिट जाए, कसाय मिट जाए तो यथा क्या चाहिए हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए। इधर जा, बैठ थोड़े आगे तो बिल्कुल अच्छी, एक आदमी अच्छी जगह इधर बढ़ गए, हाँ हो जाओ, कोई बढ़ गया, बहुत बढ़िया पॉइंट है। हाँ मिटाने की बात नहीं कर रहे हैं, मिटेगी तो ऐसा क्या हो जाए, कसाय मिट जाए तो ऐसा क्या हो जाए, सही मत बोलो कसाय मिटा, और तुम कसाय मिटने की अपेक्षा मत रखो। मैंने हमने जैसे कहा मैं तो गायक हूँ, क्रोध से बिनु मजे क्रोध पर नहीं होगा, झट मान लो तो क्रोध कैसे हो गया आपको? अरे क्रोध हुआ था वो अनंतानुबंधी मिटा के नहीं, ये देख अनंतानुबंधी क्या चीज है, अनंतानुबंधी वो चीज है कि जब तक हम पर्याय को दोष देते हैं अनंतानुबंधी सरल लक्ष्य है, वो तो पढ़ लिया कल तुमने। अब जी जब तक आप पर्याय को दोष देते हो तब तक अनंतानुबंधी कसाय का लक्षण है, तुम हर जहां तुम्हारे नहीं रहते, यही तुम पर वजन है तो अनंतानुबंधी। सुनो इन्हें मत हटाओ, संयोगों को मत हटाओ, बहुत अच्छी भाषा में कहें, बहुत अच्छी भाषा पकड़ना, बहुत सुंदर भाषा है, तीन बार मैंने तारीफ कर दी भाषा की। जैसे तीन काल के ये खचित हैं, कीलित हैं, तीन काल की सारी पर्याय ऐसे कीलित कंकोट की नहीं, तुम हमसे हमारे पास तक कब तक रहोगे, खचित है हमारी सरकार से सड़कोगे नहीं, पदक से रहोगे नहीं, इसलिए हम रखने का भी भाव नहीं रखते, भगाने का भी बिल्कुल समझ है। क्यों हम रखने का राज करेंगे तो हम परेशान होंगे और तुम तो चले भी जाओगे, हम पता है क्योंकि केवल ज्ञान में पहले से जल का कब तक रहेगा। अब तुम केवल ना हम जिंदगी भर आपके साथ रहे तो भी नहीं मानेंगे, ये बचन भी इतनी देर का खचित है क्या कह रहे, ये बचन भी इतनी देर का खचित है, परमानेंट खचित नहीं है, प्रॉमिस टूट क्यों जाती, क्योंकि वो खचित ही उतनी देर के लिए, जितने प्रॉमिस करते ना बचन, वचन दे रहे हैं हम आप, टूट जाए पक्की बात है ना। तुम कह रहे हो हम रहेंगे तो भी हम नहीं मानेंगे, तो तुम हम जा रहे हैं हम तो भी नहीं मानेंगे, क्या कह रहे हैं, संयोग को बदलने की चेष्टा मत करो, संयोग के प्रति कसाय बदलो, बदलो कह रहे हो मिटाने की नहीं कह रहे, बदलो, बदलो मतलब अनंतानुबंधी छोड़, अर्थात इन्हें दुख का कारण मानना छोड़ो। जितने लोग जो मर्डर करते हो अनंतानुबंधी की जोश में तो करते ही, इनसे पिंड छुपे मार रहा है, मर जाए ये अब हम छुट्टी हो गई, कभी छुट्टी नहीं हुई, उनसे ज्यादा खराब मिल गए जेल में, जेल में और ही खराब लोग मिली, का एक दिन से छूटे थे वापस क्यों, थानेदार वगैरह कैसी गाली दी थी, इतनी गंदी अब सुन नहीं सकते, मारपीट ऐसी उनकी पूछ रही बात बुरी तरह से, तो एक से छूटे थे जैसे से भाई छुड़ा दे गए और गलत बात नहीं, सुनो तो हमें भी सुनो, किसी को नहीं, किसी को नहीं बदलना है किसी से, तो हमें कसाय बदलना है, कदापि तो चर्चा हुई थी, किसी का दोस्त नहीं अपना दोस्त,
जिसमें योग्यता नहीं उससे बेचारे का मारा मारो खाए को। जिन शासन की प्रभावना खंडित हो रही, क्रोध करना ये अनंत अनुमति का अभाव हो गया। जिन शासन की प्रभावना कोई खंडित करेगा तो गुस्सा हूं, पंचम स्थान तक विरोध इनका नहीं तो किया। विरोधी हिंसा है, अब हमें रोटी नहीं दोगे हम चिल्लाएंगे अनंत अनुबंध। जैन शासन के खिलाफ कोई काम करोगे तो चिल्लाएंगे, उतनी चिल्लाएंगे उससे डबल चिल्लाएंगे, तो भी अनंत अनुबंध। तो पैर के हाथ जिनवाणी लगा दे हम एक टेंगू मिला है अनंत अनुबंध नहीं, बल्कि यदि तुम्हें तो देखते रहे लगाते हुए और ना कहे तो अनंत अनुबंध है ना। पंडित जी बड़े सारे पंडित जी बहुत सारे बंधु है अनंत अनुबंध बेटा, अनंत अनुबंध ऐसे हर चीज में लगा। तो हमने आत्मा के आयुध में लगोगे हम गुस्सा करेंगे जिसका नाम अनंत अनुबंधी नहीं। हाँ हमारे आयुध में लगोगे हम गुस्सा हो जाए तो अनंत अनुबंध। आप हमारा आयुध करो पंच शरीर आत्मा में कथा करोगे या हम ये मान लें कि तुम हमें आत्मा का सहायता पैदा करा दे और तुम हमें बहुत दुख दे तो अनंत अनुबंध। तो अपने हाइट में लगे हो और हम तुम्हें अपने हाइट से बचाना चाहते अनंत अनुबंध नहीं है। हम कुछ भी करें कुछ भी स्टेप लें कुछ भी करें हमें अनंत अनुबंध यहां से घटा। बहुत सुंदर छंद है हरेनाथ भगवान का, ये जिन्हें देव ग्रह दृष्टि से एक होकर भी एक होकर भी एक तो आप हो ही नंबर ज्यादा लगा आप ही हो तो हम भी एक ही। जब हम आपको अनेक से नहीं देखेंगे तो हम भी अपने को अनेक से नहीं देखेंगे। हमें नौका मिल गई जो आपके नाम मात्र की नौका से हम तर गए। एक बहुत है मोक्ष जाने के लिए एक एक जो आया ना बात के गर्भ दृष्टि से एक हो ऊपर दृष्टि से अनेक प्रतीत होते हुए नौका है ये बात में मोक्ष हो जाएगा द्वादश अंक खटित बोलो कौन सा नियो घटाना है सुनो। जब अनेक रूप नहीं देखोगे तो आप कसाए नहीं बढ़ गए नहीं तो चढ़ना नहीं क्यों अनेक रूप मानते जब भी तो गुस्सा आती है तो नहीं सुधरोगे हम खा करें मर जाए खा करें कुछ नहीं सुधरे तो नहीं सुधरे और समझ में योग्यता है शांति हो गई तो चढ़ना नहीं हो गया प्रथमा नहीं हो प्रशंसा करेंगे और जितने जितने बढ़ोगे उतनी निंदा हो दूसरों कौन सी बात नहीं। जिन मिथ्या दृष्टि का अन्याय है एक तो हम क्रोध करेंगे और कोई हमारा गुरु नहीं मान ये मिथ्या दृष्टि है अनंत अनुबंध का सहाय जी क्या कह रहे हैं समझ भाई। हम गलती करें और कोई हम पर नाराज हो या हमारी निंदा करे और हम सोचेंगे ना करें अनंत अनुबंध का सहाय जी अनंत अनुबंध में क्या होता है जैसे समय दृष्टि कोई निंदा करता हुआ आता है तो बुरा नहीं लगता होगी अच्छा सही बात हमारी गलती है हमने निंद कार्य किया बात तो सही है मोक्ष मार्ग में निंद कार्य तो मोक्ष तो नहीं हो जाए रत्न करे तो नहीं हो जाए हमें क्या फायदा हुआ है सही कह रहे हो। देख लें जितने महापुरुष है सज्जन पुरुष आप देख लें नहीं उदय नहीं जितना अपना दोष है क्या उदय है बांधो किस इस भाव में नहीं पिछले भाव में सम्यक दृष्टि की एक ही पहचान है अपने दोषों को सहज स्वीकार करता है। इस भाव में नहीं तो पिछले भाव में हमने सीता ने क्या करा था इस भाव में तो नहीं पिछले भाव का श्रेष्ठ सदस्य इस भाव का नहीं पिछले भाव का है पारसनाथ पूर्व भाव से चला रहा है इस भाव का तो नहीं। लेकिन सम्यक दृष्टि की पहचान यह है यदि हमारी निंदा हो रही है तो अन्याय नहीं होता हमने की हो अज्ञानी ये सोचते कि है खराब मरेंगे कीड़ा पड़ेंगे नरक चलेंगे निगो चलेंगे नहीं हमारी निंदा कभी भारी हम जैसे को नहीं पहचानते सम्यक दृष्टि की बात नहीं निकलती अनंत अनुबंध के अभाव की सूचक है अनंत अनुबंध समझे ये अभाव की सूचक है दूसरों को दोष देना ही अनंत अनुबंध प्रत्यक्ष मिथ्या था प्रभु गाय की बातें माना टोटा मजीद क्या लिखा चतुराई की बातें माना हम तो शुद्ध है हम तो गायक है हम तो अकर्ता है जबर नाराज हो रहे हम तो अकर्ता है चौका में ऐसी गलती होने की हम क्या करें जब डांट रहे हैं ये अनंत अनुबंध। हाँ
इतना बढ़िया लिखा है रत्न शाकाचार्य जी वगैरह में भाग गीता जी में, सच जन पर दूसरों के दोष भी अपने ऊपर हो रही लिख लेना सभी लोग, सभी लोग लिख लेना। यदि आप उम्र में बड़े हैं तो छोटों के दोष आपको स्वीकार कर, नहीं करते तो अनंतानुबंधी है। अच्छा तो अनंतानुबंधी क्या करना है, अपन घर साफ हो गए दूसरों को फसा दिए। दोषारोपण करना अनंतानुबंधी है। हम क्या करें, हम तो अच्छे से करें, लाइट चली गई, लाइट चली गई, अक्कल लगा भैंस की अक्कल है, अक्कल है तो अक्कल लगा, लाइट चली गई तो क्या उपाय हो सकता सही काम करने। तुमने लड्डू खाए और ऐसा ऐसा करके चले, अगर लाइट चली गई तो देखो ही नहीं करना, तुमने पोछा लगाए अभी करो। अब सोचो ना, चलो कल की बात तो चली गई, प्राग बा लाख छिंती मर गई, तुम्हें फिर तक नहीं, वे अपनी आयु से मर गए, प्रसन्नता है। लाइट चली गई, अनंत अनुबंधी है, आप लाइट पे आरोप लगाए। हमने तो उनसे कह रही थी चले गए, अनंत अनुबंधी है। अपना दोष स्वीकार करना ही अनंतानुबंधी का भाग है। ऐसे पढ़ो भाग नहीं देख लेना, पढ़ लेना पुराण पढ़ लेना। सज्जन लोग बड़े लोग तो छोटों के दोष भी स्वीकार करते। आपने कभी देखा क्रिकेट हार जाते हैं उस दिन कप्तान क्या कहता है, हार की जिम्मेदारी मैं ले, मुझे नहीं कहता तो जी बिक गए थे जी, पिच रेट कर लो तो उनका कर लेता, पिच कर ले जी अभी ऐसे कर ले तो आउट हो गए हम का कर ले, जी आउट हो गए तो हम का करें। नहीं, जीतने का श्रेय किसको देता है, बिल्कुल लौकिक की सज्जनता है, लौकिक की सज्जन अपने साथ रहने वालों की जिम्मेदारी आपको लेनी। मोक्ष मार्ग के नायक कैसे बनोगे आप, मोक्ष मार्ग के नायक माने हम सबसे कह रहे सब में लगा लेना अपना सास बहु में सास को जिम्मेदारी लेनी पड़े, प्रभु से कितनी गलती हो जाए आप छत्र बन जाओ, नहीं बेटा तुम्हारी तो उम्र ही खराब, गलती हो जाए, अम्मा माई नींद लग गई दूध कर कोई गड़बड़ हो गई बेटा हमसे नहीं आती, हमारी नानी सुनाती नानी की नाक नानी की बहु उनका नानी की भाभी देवी नानी नानी के देव नानी की भाभी देवी उनकी क्या कभी छोटी उम्र शादी होती 14-15 साल इतना घूमट रहने पर घर के अंदर बाहर तो छोड़ो इतने ज्वाइंट पंप के परिवार होते थे घूटी नहीं उठ पा रही थी बेचारी, अब रोटी बेलस बेलस सो जाती छोटी उम्र रोटी घूमट में भाई मिल जाए तो कई बार रोटी में हाथ लग जाए तवा में हाथ लग जाए चल जाए ऐसा हो जाता, लेकिन बताती थी दूसरों का मौका आया था उन्हें वो याद आ जाए अरे क्या बताए बेटा हमारे मन में हम भी याद कर, मैंने बड़ों को छोटों को संरक्षण करो। मैं एक बात बहुत बड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ, आज बहुत बड़ी तकलीफ है ज्वाइंट फैमिली नहीं होती, इतना से पॉइंट में संसार सागर तर जाओ ऐसी हाँ चलो आई थे हमारे पास प्रेम दृष्टि से एक होकर भी एक देखो अपने को भी एक देखो समस्तियों को एक ही देखो भगवान की स्तुति करके सीखने को मिला एक देखो अनेक प्रतीत होता है उसका विश्वास मत करो। अब यह पर्याय दृष्टि है तो पर्याय दृष्टि के दो हैं, थोड़ा सूक्ष्म करें पर्याय दृष्टि के दो भेद हैं, एक तो गुणों को भी पर्याय दृष्टि का विषय बनाते हैं और पर्यायों को भी पर्याय दृष्टि का विषय बनाते हैं, संयोग को भी पर्याय दृष्टि का विषय बनाते हैं। संयोग की हम पर्याय है मनुष्य पर्याय, यदि मनुष्य पर्याय है तो असमान जाति तरफ पर्याय लेकिन अपनी कहना सुनो मनुष्य पर्याय से देखोगे तो दुखी, मनुष्य पर्याय से प्रतीति करोगे ए तुम मार के नरक चलोगे अब दुखी इन्हें हमारी बहुत हाय लगाई हमें नरक भेज दो, इनके मुंह में कीड़ा पड़ जाए तो बहुत बुरी आदमी है हमें नरक की सोच रहे इनकी भावना खराब है, लेकिन सुनो तो तुम नरक क्या कर रहे और तुम मनुष्य हो कब, तुम एक से देखो ना पर्याय से क्यों देख रहे हो ना, जो अपने मनुष्य मानेगा उसे नरक की जाने की सुनकर दुख होगा और स्वर्ग जाना सुनकर खुश हो जाएगा, यहाँ तो बहुत ऊंची बात है। मोक्ष जाने के नाम पर भी किंचित मात्र भी एक्साइटमेंट नहीं, जी नहीं लग रहा हम बहुत स्पेशल जीव है, हम सब तो लोग हम तो मोक्ष जा रहे हैं, हाँ मोक्ष में क्या पर्याय दृष्टि का विषय है, मोक्ष उनका हो
क्यों पर्याय से देंगे? हम तो पर्याय से देंगे ही, हम तो मुक्त ही है। देवदास टीचर से क्या कहेंगे? हम तो मुक्त ही, हम क्यों देखेंगे? परमात्म प्रकाश जी ने गाथा है टीका करते हुए आचार्य लिखते हैं, बहुत अच्छी टीका लिखी है। कोई यदि ये कहता है कि मोक्ष हो गया तो थोड़ी बात जोड़ के कह रहे हैं कलंक लगता है, बुरा लगता है। मोक्ष होगा तो कलंक क्यों? इस समय पहले बंधी थी, मैंने मोक्ष में बंधन की याद आती है तो हमें अच्छा नहीं लगता। कोई तो हमसे कहकर आप कब छूट है, तुम्हारे घर में आगे कोई पूछा है तुम्हारे भैया है पापा है चाचा कब छूट है जो? क्यों कैसा लग रहा है जैसे कब छूट है? ऐसे जब कोई पूछे तुमको मोक्ष कब छा है, हमें इतना बुरा लगता है, कैसा लगा है? नहीं नहीं मेरा मोक्ष नहीं होगा, मैं मुक्त ही, मुक्त को देखने वाली पर्याय का मोक्ष होगा, मेरा मोक्ष मुक्त को देखने वाली पर्याय का मोक्ष होगा, मेरा मोक्ष जैसे होना हो मसो हम तो यही मुक्त हैं। पंडित साहब सभी श्रीमद जी की देख लो या पंडित साहब की रचना देख लो, मुक्ति की भी नहीं अभिलाषा, मुक्ति की भी अभिलाषा है। श्रीमद जी ने क्या लिखा है? बन सब मुक्ति में भरते शुद्ध स्वभाव जो, और मोक्ष हमें तो शुद्धि की बरत रहा है, क्या फर्क पड़ेगा बेटा? रेलगाड़ी में खा लो चाहे रेलगाड़ी में उतर खा लो टिफिन तो वही क्या? तो वैसे लगता है रेलगाड़ी में खा रहे, अब जो गांव खेड़ा निकल रहे जंगल निकल रहे खाने यही यहाँ खाओ, ऐसे भाव में भी हम इस ध्रुव का ही भेदन करते हैं, मोक्ष में भी ध्रुव का ही भेदन करते हैं, हमारा मोक्ष होगा तो मैं तुम्हारी तुम जाना मैं तमाम मुक्त हो गया। महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही, शरीर से मत देखो, देखोगे तो पक्के में दुखी हो गए, हम तो नहीं हो दुखी, अरे होते हो तुम दुखी, इस पर्याय की प्रशंसा सुनना चाहते हो दुख है, इस पर्याय की निंदा सुन के दुखी हो जाती है दुख है, जब ये दर्पण में देखते तो हम छोटे हैं छोटे हैं ठीक नहीं है दुबले हैं पतले हैं मोटे हैं सांवले हैं गोरे हैं, ये सब दुख है, दुख है। सिक्स पैक नहीं बनी, आठ पैक नहीं बनी, बुले में गए जरा भोजन नहीं करते, सनंतान में खड़ी हो जाती दुबले हो जाए दुबले हो जाए, कौन दुबले हो जाए ये तो बता रहे कौन दुबले, आयु पर्यंत देर रहेगी अब जैसी रहेगी रहेगी, दुबले हो जाए तो अग्नि कम लगेगी लकड़ी कम लगे, हवा का बिगड़ा क्या? हमें तो आयु प्रमाण रहने ही ना, हम तो मजे से कह रहे हैं हवा का बिगड़ा आत्मा मुझे तो बता रही, जैसे दुबला हुआ हमें का बिगड़ा, सुनना ध्यान से अनंत अनुबंधी की बात चल रही है, अनंत अनुबंधी वाला ऐसा सोचता है, हमें ऋषि कैसा सोचता है हमारे रत्नत्र की हानि ही हानि, इस शरीर की हानि हानि है, वो ऐसा सोचता है, सोचने से समय व्यस्त नहीं होता, चलती है नियम शादी में गाता है, ऐसा चिंतन होता निरंतर ज्ञानी की, करता नहीं लिखा, ऐसा चिंतन होता निरंतर ज्ञानी की, दो है गाता उसमें, एक ज्ञानी करे चिंतन भी और ऐसा चिंतन होता निरंतर ज्ञानी, दो गाता है उसके अलग, होता है देखोगे तो तुम्हें भी होगा। श्रीमती लिखा है लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, पंडित साहब कहते हैं काम करो उन तो भी सोच के घट गया क्या बोलिए, जब ध्रुव देखो तो यहां से मजा है, अभी अपने क्या लगता स्पेशल आदमी है उनका नुकसान हुआ, इसलिए कल हम पढ़ रहे थे बहुत अच्छी एक मुल्तान नगर की घटना है, एक स्टूडेंट जी थे नंदलाल जी कोई नाम था उनका मुल्तान नगर, धनी थे तो दान बहुत करते थे, किसी को पता नहीं लगते कोई गुप्त दान करते पता नहीं लगता सबकी मदद करते, अभी एक विधवा महिला आई उसकी लड़की की शादी थी, उन्होंने कहा शादी करना रोन लगी बेचारी, तो अकेले बहन तिजोरी में जितने पैसे चाहिए लगा
असही वहां कोई बैठा है तो वो संकोच कर रही बेचारी, संकोच कर रही थी। हम क्या, उन्होंने कहा ये धर्म बहन तुम हमारी बहन, ये धन तुम्हारा जितना चाहिए ले लो। मैंने चाबी तिजोरी खोली उठा तो संतोष हाथों से ले लेना पी लेगी। और फिर भी यही बोले बेटा बहन कम पड़े तो वाले ना, संकोच नहीं करना, तो लेके चली गई। काम नहीं लगेगी चोरी तो करूंगा। फिर जो सज्जन बैठे देख रहे थे उन्होंने साथ दूंगा गेम के तो देखू हिसाब तो होने जी कितने दे रहे। तो उन्होंने इतना बढ़िया जवाब जो पढ़ने लगा क्या कल तुम पढ़ाया क्या इतना अच्छा जवाब दे। फिर ले तो गई। अब अपन मान लो अपन गिन ले तो जो भी कल बोल जब जब वो देख लगी जब से ले गई हजार ले गई हजार ले गई जी बिकल से बचने के लिए गिनती ले जा निकल दे पढ़ के ऐसा लगा क्या कह जा इतने से बिकल से देख पक्के में आप देख लें जब अपन कुछ करते हैं विकल्प आते हैं। हाँ इतने से विकल्प से बचने के लिए हम कहा पड़क पड़ो दे झूठे की हम जाएंगे सभी तेरे से कौन ने दो कौन ने लो हम आपका भी कर देंगे सेट आए समय है। अरे संयोग से देखो पक्का दुख है। एक्चुअली तो अनादि काल के अभ्यस्त हो इस दुख के साथ तुम्हें लगते नहीं कि दुख है। दुबला मानना मोटा मानना पतला मानना गरीब मानना दुख है भाई तिरस्कार है। अब क्या कहता बहुत ऊंची बात कही थी कोई कहता है मुक्त कब हो हम कलंक लगता है हमारा मोक्ष हो गया तुम ऐसा कहते तो हमें अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारे लोग व्यवहार है इसलिए तुम कहते हो। हमसे पूछे तो हमें तो 1% भी आनंद नहीं है कि हमारा मोक्ष हो गया। क्यों? क्योंकि मोक्ष में बंद की याद आती है। हम तो मुक्त ही अनुभव करते पढ़ लेना बहुत गाथाएं कलर्स है हमें तो स्वामी की टीका है नित्य में क्या समय शादी कलर्स है बारहवा कलर्स है कलंक कर्म कलंक पंक विकलू देवा स्वयं शाश्वत कितनी सुंदर पंक्ति है नित्यं कर्म कलंक पंक कबिकलो एवा स्वयं शाश्वत कैसी मस्ती होगी। हम तो नित्य देव है ये तुम्हें पूजने के लिए आप देव कह रहे हम तो अपने देव की पूजा सदा ही कर रहे हैं। क्या कह रहे क्या कह रहे हम तो अपने नित्य देव की पूजा सदा कर रहे थे। पंचमदारी मुझे क्या कह रहे हैं पूजित पंचम भाव नियम शादी में पूजित पंचम भाव हम तो उसकी आराधना सदा करते। बिंदती सततम निजराधिकार में सततम सततम बिंदती सततम उसका अनुभव कर रहे सतत अनुभवामो शुद्ध चेतन चिन्हम है अनुभव कर बिल्कुल दुख ध्यान रखना अभी तुम दुख कैसे मान के बताओ मिथ्या अब अनंत अनुबंधी फिर बताए दुख के मामले में भी अनंत अनुबंधी तुम असाता वेदनी साता वेदनी को तो असाता वेदनी को तो दुख मानते हो लेकिन घाती अकर्म की प्रकृति को तुम नहीं मानते ये अनंत अनुबंधी। आज अच्छा खाने मिल गए खा पी कुछ गए एक बात है खानी ना बड़ो मत बहुत अच्छे प्रवचन मिले खा पिए मुझे वाह ये अनंत अनुबंधी है तुम दुखों को भी नहीं पहचानते। क्यों जिसको कैंसर हो गया उसे बढ़िया आइसक्रीम खिला सुखी हो जाएगा उसे कहा नजर जा रही है तुम आइसक्रीम खिला जल्दी डॉक्टर बुला लो जल्दी डॉक्टर बुला लो हम बम्बई तक आ गया तुम जो मत खिलाओ फाल दीजिए हमें हमें पहले वो उससे मिला डॉक्टर मैंने वो घाटिया पे उपाय कर रहा है और हम कहा उपाय कर रहे आज अच्छी रोटी नहीं मिली ऐसे ही लोग कहा बताने बस पकड़ा दी भूखी रोटी को कहा क्या दिन तक खेल एक दिन आई बात हो सकती है ये तो तुम्हारा परमानेंट ये तो तुम्हें दुख लगता है और तुम्हें शुद्ध चेतन की अनुभूति नहीं हो रही तो कुछ लगता है अनंत अनुबंधी है बेटे पकड़ो कितने प्रकार से अनुभूति समझाएंगे अनंत पैसा घटा तो रोन लगे बैठे जिंदगी भर खा गए हमारे सब खा गए हमारे सब खा गए तुम्हारे ठेकर जो खा गए ये अनंत अनुबंधी है सुनो इसी समय सुबह से हमारा क्या गया हमारा क्या गया हमारा क्या गया
वहां से लेकर आया तो हम लोग किसी को हानि पहुंचा निकल गया। पंडित साहब के तो बहुत सुंदर सुंदर रहते हैं। एक दिन तुमसे कहीं ना अति भारत रोपण, तो अति भारत रोपण को बहुत अच्छा लगता है। सुदृष्टि तरंगिणी बहुत अच्छा खोला, सुदृष्टि तरंगिणी में बहुत अच्छा सा खोला, प्रकरण चलता 25-33 चैप्टर में। तो अपन लोग क्या सोचते हैं भाई, अति भारत रोपण के नाम पशु पक्षी का दृष्टान दिया तत्पर सूत्र में, तो वही लगा लिया पशुओं का, ज्यादा हुआ तो नौकरों का लगा लिया। लेकिन उन्होंने इस शरीर को भी अति भारत रोपण मत करो, आत्मा के ऊपर इसे क्यों लाद रहे हो, आत्मा के ऊपर परिग्रह का बोझ क्यों लाद, परिग्रह तो परिग्रह में तुम मेरा है मेरा क्या करो क्यों लाद रहे हो, अरे तुम नहीं मानो मेरा तो भी वही है, नहीं मानो तो भी, और मान लो तो भी वो तो भाई है ना। अभी हम सोच रहे हैं ये मंदिर हमने बनाया, लेकिन समाज वाले को भी धन्यवाद है, 10 साल हो 20 साल हो कुछ कह देंगे, अच्छा शंकर क्या या नहीं कहती सुमत प्रकाश जी ने बना, तो अब तुम्हारे रोड को मिटा वो मिटा दे बता, अरे अब तुम जर नहीं मानो तो भी मंदिर है और सवाल जा रहे, सुनो तुम अति भार रोपण मत करो, अति मतलब आत्मा के अतिरिक्त का भार मत ढो क्या कह रहे अति, हाँ आत्मा के अतिरिक्त का भार मत, मैं पुरुष हूँ ये भार रोपण कर रहे, एक शुद्ध चैतन्य प्रभु के ऊपर भार मत ला दो मुर्दे का, कह रहे मुर्दे का इसमें लिखा है मुर्दा कहीं प्रभुजन सार जी ने, मृतक कलेवर के समान, अमृत क्या है अमृत सिंधु क्या सब देख लें अमृत मूर्छित हो रहा है, अमृत विज्ञान घन आत्मा कैसा लिखा है, कभी नहीं मरता अमृत, अमृत कभी नहीं मरता ऐसा विज्ञान घन आत्मा मृतक कलेवर में मूर्छित हो रहा है। अभी हम कह रहे भार 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 रोपण कर रहे मत करो भार, भार रोपण समझ गए कि नहीं समझी, हमें नहीं समझा रहे उनकी भाषा नहीं बोले जाते, अब क्या बताए 10 जने घर में 10 की रोटी बना रहे, अब दे भरी तुम पले 25 साल इनको ब्याह करो इन्हें पढ़ा, अब ये तो खा ही रहे थे ये तो पले ही रहे थे ये तो पड़े तुम जाओ ना बाहर ढूंढ रहे, न तुम्हारे रोड से चले गए न बड़ बड़ावे से चले गए, तो रहे तो रहे क्या कर बता, तो अपने बच्चों को भार समझ के पालो रोज सुना नहीं, हम कर करके मरी जाए कर मरी जाए, तो तुम कर कर बोल ढूंढे फिर रहेंगे क्या, तुम कचू कर दो रोज चाय कर फिर रहेंगे और खिलाने पड़े और इलाज भी कराने पड़े तो बाहर क्यों ढूंढ रहे, जी कह रहे बाहर मंटू पंडित साहब की भाषा तो बड़ी सुंदर है, जो अपने को निर्भर अनुभव करते हैं वे ही 3 लोग का भार उठाते क्या, जो अपने निर्भर अकर्ता अनुभव करते कर्तव्य का भार नहीं लेते भार रूपण नहीं करते कर्तव्य का भार नहीं वे ही 3 लोग का भार उठाते, अज्ञानी क्या बोलते तुम काफी जिम्मेदारी दे रहे ब्रह्मचारी हो तुम्हें काम मिल जाए, अपने कहीं जाए कल को बीमार हो जाए बदनाम हो गलत काम करते हैं तो अपन बदनाम हो जाए ध्यान दे उन्हें, भाई जो निर्भर अनुभव करते हैं वही सबका भार होता है, अज्ञानी के बारे में क्या लिखा है अनंतानुमती के बारे में, अनंतानुमती आ रही बात जिन्हें अपना आत्मा ही बोझ दिखाई देता है, समाज पर बोझ होती है जिन्हें आत्मकल्याण बोझ अभी को सामाजिक करिए क्या बताए हम अब हम तो उठे हम अभी चलो अभी मारा और दिन दी हाँ अब चार मारा गिना तो हम क्या करें, आत्मकल्याण बोझ है ऐसे लोग समाज पर बोझ अकर्ता देखे बिना कोई रास्ता नहीं, नाने था साध्य सिद्धि नाने था साध्य सिद्धि, आप गायक ही अनुभव करो आप अकर्ता ही अनुभव करो, हाँ बहुत कुछ करिए बेटे शरीर का भार मत दो, आत्मा को नहीं जानने वाले शरीर का बोझ धोते हैं, कभी पत्नी हो गई कभी बच्चे हो गए धोते हैं बैठ बैठ, बहुत साल पहले की बात है बहुत ही साल पहले हम जब 15 साल पहले तब की बात है, जब वो प्रोजेक्टर लेकर आते थे पंचायत में पिक्चर दिखाते थे उस समय फैमिली प्लानिंग का समय था वो राजीव गांधी के समय नहीं वो संजय गांधी मीसा लगी थी ना मीसा
बन जाएगा हम 77 की बात, 75 की बात, 77 की है तो 77 ठीक पहले 76 में तो मीशा लग गई संजय गांधी फैमिली प्लान है तो भाई पिक्चर बना के दिखाने लाए थे मोहल्ले में। अपन तो बच्चा था, अपन कर रहे थे तो ना बहुत सारी पिक्चर दिखाई थी नाव की साइकिल की। एक लड़का साइकिल पे चल रहा मस्त, तो थोड़ी देर बाद साइकिल पत्नी बैठ गई, थोड़ी देर बाद मोड़ा बैठ गई आ गए दो बैठ गए तो तीन बैठ गए एक गोद में होगा हैंडल पे बैठो साइकिल चलेगी अभी तक याद रखा था। दूसरी बात कहना इसमें दृष्टांत आत्मा को आत्मा ही अनुभव कर रहा हूँ, आत्मा के साथ शरीर अनुभव करो, शरीर से पत्नी आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, माता पिता पर गतियां पर गुण स्थान मन में स्थान पर मैंने कहा था आगे अनंत काल से तुम्हारी संसार से आया ना जब दूर है। अब तो एकाकी अनुभव करो ठीक है। नहीं नहीं पंडित अब क्या था तमाम राग दो फिर राग के बाहर से फिर और बनेंगे बनते ही चलेंगे। तुम किए तो पैसा के बिना काम चलते ही नहीं गलत है। हम गारंटी से कह रहे पैसा के बिना ही काम चलता है। शर्मा जी संदेश में कहानी चली तो एक साधु महात्मा बहुत उपदेश देते पैसा की पैसा की पैसा कोई नहीं। अब नदी किनारे पहुंच गया बाप आ जाए तो मैंने कहा ना भी छपे अनुसर का वो देख रहा तो मिल गया। हम तो स्वामी से बैठ गए बैठ गई तरफ एक सेठ जी जो उनके प्रवचन के श्रोता थे तो बोले चलो हम दे देंगे भैया आ जा आ गए बैठ गए बैठ गए। अब रेस्टोरेंट में बुलाने दिए गेट बोलो तुम किए तो पैसा से काम नहीं चलता बोलो पैसा से काम नहीं आज हमें एक रुपये दो बोलो काम चलो कि नहीं चलो। हमने बहुत अच्छा उत्तर दिया पैसा के बिना ही हमारे नाव की पैसा के बिना ही हम पार भाई हम तो पैसे ही है ना भाई और तुमने भी एक रुपया दो पैसा के बिना पैसा रख के तुम भी नहीं तरी समझे तुम भी पैसे के बिना तरी मैंने एक रुपया किया तब तरे तुम क्या पूरा तरी पैसा से नहीं तरी पैसा पकड़े बैठ रहे थे बैठे और हम त्यागी थे तो तुम्हारे त्याग में निमित्त हुए हम तो वैसे ही तरी समझ गए कुछ क्या हम तो नहीं पैसा के तरे और तुम्हारे त्याग में निमित ये है द्रवदर्श और जिसको दीनता होगी ब्रह्मचारी को सही बात है पैसा तो चाहिए फंड तो चाहिए तेज की आगे बिल लाने लगे बैठ तुम्हारे हमें तो भैया इतने अच्छे से पंडित साहब मिले और मिले सारे अपने आत्मानंद जी हमेशा कहते बेटा ब्रह्मचर्य ले रहे हो और भोजन भी नहीं मिले तो मांगना तुम तो पत्ते चबा दी जंगल में जाके नहीं कोई कपड़ा दे तो बिल्कुल ग्यास में नहीं करना कपड़ा फट जाए कपड़ा बिल्कुल गल जाए कच्चू नहीं हो तो पत्ता बांध ली लेकिन लेकिन मांगना क्यों एक राग है ना जैसे कपड़े का गिड़ रहा हो जाए जैसे स्टेट में आगे पीछे तो अपने की महिमा कर दी स्टेट जी ने घड़ी गई फला दो इन शेर जी नाम एक बार खुशी खिलाओ इन शेर जी नाम लड्डू खिलाए जे याद करो मुझे इतना दुख लगता है लड्डू इसलिए खिला रहे कि तुम्हारे रत्नत्रय की भावना ना तो वे तो तुम्हारे रत्नत्रय के लिए लड्डू को समर्पित कर रहे और तुम उनके लड्डू खिलाए रत्नत्रय छोड़ जब देव उनकी याद आई उन्हें देवते थे आओ आओ शेर जी यही उठ जाओ क्यों क्यों सबसे क्यों नहीं कहा आपने उन शेर जी को क्यों बुलाया स्पेशल मैं क्या कहूँगा आपको पीड़ा की बात कह रहा हूँ ब्रह्मचारी भाई लोग इसलिए कह रहा हूँ जितने लोग संस्था बनाते हैं बड़े पद में रह करके भी 24 घंटे प्लान बनाते कौन चीज आना है कहाँ से रहना है बैठने बात में साफ कराओ अरे ऐसे से साफ कराओ अच्छे साफ करो फिर अच्छा कर दो बिस्तर वगैरह नहीं वो लगा दो भोजन में आज अच्छा बना देना मीठा बना देना मैंने तुम क्या कहें क्या हुआ हुआ सोचो क्या हुआ तुम कहाँ बनने निकले तो कहाँ बन गए चार रोटियों में खाते एक टाइम हार ले गए
ध्यान रख, भाई साहब की बात बहुत अच्छी लगती है ब्रह्मचारी कुमार जी की, उन्होंने हमेशा अंदर भी हमारे यहाँ जब आए थे सुगम कर देगा, तुम पैसा के चक्कर नहीं पड़े, संस्था के चक्कर मत पड़े, बहुत शिक्षा दी उन्होंने, कभी नहीं कहा कि तुम कभी इसके लिए, बोले हमें लोग बहुत बंद करने वाले हुआ, हमें नहीं बोलेगा नहीं कहा, ये पैसा बहुत बुद्धि और देख रहे प्रत्यक्ष इतने हल्के परिणाम, मेरे मतलब क्या कर रहे आज तुम, जो करने थे तो अपने ग्रंथों की भाषा में लिखा है, इस तरह तुम अपने एक मोड़ा और एक पत्नी और दो बच्चा पाल दिए, सारे देश की गुलामी कर रहे, हाँ हाँ बड़ो भाई बोला है पंडित साहब की रचना दो तीन जगह है, इच्छाओं का दास वो सब जग का दास, एक इच्छा का दास, एक इच्छा का दास सब जग का दास हो गए वो, अब कपड़ा तो चाहिए पैसा तो चाहिए, कल चले गए सबके दास हो गया, चलो हम भगवान है हम कोई भी चीज नहीं कर, व्यवहार से कहा है तो हम भगवान है, भगवान की चीज अजूरी करें, चरणाम योग में भगवान है, भगवान की चीज अजूरी करेंगे, एक में एक आदमी, और सागर में भी भगवान है उनकी जी अजूरी करें, लेकिन भोगियों की जी अजूरी नहीं करेंगे, भोगों की वासना की अजूरी नहीं करेंगे, यहाँ से कहीं अंदर से तो भोगों की कसाय जो हमारे अंदर उसकी जी अजूरी, क्या कहते हैं तीन चार बातें करें, अंदर में जो भोगों की वासना पड़ी उसकी जी अजूरी नहीं करेंगे, अतः इच्छा का अनुरोध करें, उस इच्छा का अनुरोध करेंगे जो कह रहा रोटी बनाएगी हमें रोटी खुआ भैया थोड़ी व्यवस्था कर, कितना बुरा लगता सच में समय शिखर में दर्शन करने जा मानते कहीं कितना बुरा लगता है, इकट्ठा नहीं बैठे भैया आदान दिखा खुद आदान कैसा लगता देख, मैंने इतनी तो अपने घर में नैतिकता सिखाती है, वही कोई घर जा तो मान लें, अपने घर में भी जो अच्छे बच्चे होते सज्जन अपनी माँ से नीचे जाना चाहिए, माँ खुद बुला कर देती, तो ध्यान रखना ये संस्कार, कभी अपने घर में भी मांगो मत, आनंद आपको तब आएगा जब कोई देगा, धैर्य सीखो, यदि आपको मुनि दशा और आदि का दशा चाहिए तो घर में भी धैर्य आएगी थी मिलेगी, सो क्या बात, कई बार अम्मा लोग चिल्ला दी थी चला रहे जैसे कहूँ खाओ ना हो, नहीं जैसे बच्चे बार बार मांगे बार बार करे और बार बार देख रहे वही बैठे ऐसे लगा रहे जैसे कहूँ खाओ ना हो, इसका क्या मतलब तुम भगवान बनने और बेटा इन कामों से आगे बढ़ो संसार चले प्रभु आगे, तो ये सब बेटा ना, अब गुण भेद का नाम भी पर्याय दृष्टि है, इसमें भी घटाओ थोड़ा समय दर्शन केवल ज्ञान मोक्ष नहीं चाहिए क्योंकि वो पर्याय दृष्टि का है ना, अब यहाँ ओ मेरे में अनंत गुण है अनंत निर्मल गुण है अनंत निर्मल पर्याय, यह सा विचार करना भी पर्याय दृष्टि का विषय प्रतीत तो होता है, ज्ञान है दर्शन है चारित्र तो वीर है प्रतीत तो होता है, लेकिन नहीं नहीं ऐसे अर्थ लगा अरे हमेशा ही अनेक पर्यायों के समुदाय रूप, अनेक पर्यायों के समुदाय माने अनेकांतात्मक आत्मा एक, अनेक पर्यायों का समूह मतलब अनेकांतात्मक आत्मा एक है, अनेकांतात्मक गुण भी आगे पर्याय भी है, अनेक अनेक क्यों कहा कि यहाँ गुण को भी पर्याय कहना है और पर्याय को भी पर्याय कहना है, तो दोनों को साथ करके अनेक हुए, एक से दो होते हैं तो अनेक हो जाते, एक से दो हो जाते तो अनेक हो जाते, और पर्याय में भी अनंत है और गुण में भी अनंत है, तो अनंत धर्मात्मक आत्मा एक, ध्यान रखना दृष्टांत दे रहे समझाने के लिए, लड़की के लिए लड़का देखने को तो आप उसको एक एक थोड़ी देखते हो, कान तो सुन जा रहे ना खराब है ऐसा कर, यदि पसंद आएगा तो पूरा लड़का पसंद है, ऐसा तो नहीं है भैया तुम्हारी नाक बहुत खराब है और दांत बड़ी खराब है, बस कान बहुत सुंदर है और रंग गोरा है, हम एक काम कर रहे हैं गोरे रंग से ब्याह कर दे, कान से ब्याह ऐसा तो नहीं होता, और पत्नी आगे कहे सुनो हमने तुम्हारी नाक से शादी नहीं करी, हमारे पिताजी तुम्हारी नाक पसंद नहीं आई, ऐसा तो नहीं होता, ऐसे गुण पर्यायात्मक एक है, जब भी अंगीकार होगा अनुभव होगा अनुभूति होगी आश्रय होगा मीनता होगी तो एक में होगी,
तुमने कुछ कहा ना, नाक खराब है मतलब है? तुम्हारी भैया ज्ञान तो अधूरा है और तुम्हारे चारित्र में तो बेकार है। नहीं वो तो अनुभव करोगे तो एक कहीं करोगे, जिस मीन में नहीं चलेंगे तुम्हारे। आओ पांडू जी, तुम तो कह रहे शुद्ध देखो शुद्ध देखो, पर्याय में तो राग पड़ो। तो यदि अजीब बात हो गई लड़के लड़के सामना है, बाकी सब अच्छा है तो क्या करें फिर, क्या करें वो क्या करेंगे बता। शादी तो उसी से ही होगी ना, एक से ही होगी ना। हाँ हाँ यदि तुम्हें आनंदित रहना है तो पति का रंग मत देखो, पति बहुत अच्छे सब गुण अच्छे हैं उनके, सबलापन तो प्रकृति के ध्यान। ऐसे 10 समय की योग्यता से पर आपकी विकार हुई है, शायद में विकार हुआ है, भगवान तो भगवान है। ऐसे अनुभूति में अनेकांतात्मा एक का अनुभव करो, इसे कहते हैं गौणता और मुख्यता। अनुभव करने का, अनुभव करने में गौण करेंगे तो ज्ञान का विषय बनेगा, लेकिन मात्र एक का अनुभव करेंगे ये अनुभूति का परमार्थ का विषय बने। इसमें शब्द आया परमार्थ, नीचे दिया भावार्थ में परमार्थ बताया गया। ठीक है आगे चले, समझ आ गया। अनेक पर्यायों के माने अनंत धर्मात्मक ठीक है, अनेक पर्यायों के संग्रह रूप नहीं है। देखो आगे ऐसे नहीं हो ये जरा भूतकाल की पर्याय निकालो, भविष्य काल के लिए संग्रह हो, ऐसा संग्रह नहीं। गेहूं की बोरे की तरह कलेक्टिव नहीं है जी, संग्रहित नहीं है, संग्रहित अनंत गुणों पर्याय किसी ने मिलाए नहीं है, संग्रहित नहीं है, ये तादाद में है। कैसे वो तादाद में है, एक है। अगर बहुत बड़ी बात है समझ में आया तो बताए, जैसे अपन ऐसे बैठ जाते हैं ऐसे कैसे बैठ कहा करें भाई, जो एक अवगुण नहीं दो चार गुण उत्पन्न हो गए, अब कहा बताए कि ये गुण खराब है, ये कर क्या रहे कलेक्टिव थोड़ी है, तुम यहाँ से करते कोई गुण खराब नहीं, निर्दोष अनुभव कर। चले अनेक पर्यायों के संग्रह रूप नहीं है किंतु एक है। अच्छा तुम तो संग्रह रूप अनुभव मत करो, आज कर दे रहे अभी नहीं समझ में आया कि संग्रह रूप का मतलब ज्ञान ग्रंथों में से आए, संग्रह रूप श्रद्धा देव में से आ जाएगी, चाहे मुनियों को दिख क्या जाती है, क्या बताएं हम आपके पास आते तो बहुत अच्छा आदि है। तो जिस संग्रह हो गए संग्रह समझ गए, ज्ञान जीवों में से आता है, श्रद्धा देव निमित्त में से आ जाती है, माने निमित्ताशित मानते हो, ये संग्रह ऐसा संग्रह नहीं जी मैंने कर आत्मा मोबाइल नहीं है जो चार्ज हो जाए, देखा आत्मा मोबाइल नहीं है जो चार्ज हो जाए, आत्मा हीरे की भांति स्वयं से प्रकाशमान है, स्वर्ण की भांति स्वयं स्थित है, सूर्य के मान सूर्य के समान जाग्वल्य मान है, ऐसा आत्मा अनुभव कर। बहुत सुंदर है समझना, ये संग्रह हा हा संग्रह नहीं है, पर्यायों के संग्रह रूप नहीं है, एक है। इस प्रकार आप चेतन चमत्कार से तन्मय के बाद तन्मय एक है, चेतन चमत्कार से तन्मय एक है। तन्मय एक है मतलब स्वर्ण की शीलापन आभा उसी से तन्मय एक है। अपन क्या करते पता है, जैसे 10-5 साल पहले कंगन अबूजर वाले आज अब लग रहा जो बहुत बड़ी, अरे ये पहले भी बढ़ गया था, आज तुमने ऐसे ऐसे कर दिया ना जी इसलिए अच्छा नहीं हो गया, वो पहले से ही अच्छा था, ऐसे ध्रुव तो पहले से ही अच्छा था, आप तो पहले से चेतन चमत्कार में थी, आपको आपको संग्रह नहीं हुआ, संग्रह समझ गए अलग से नहीं आ गया कुछ, अंदर ही था वो सब कुछ तादाद में ही था, संग्रह नहीं किया है। चेतन चमत्कार से तन्मय एक है, अरुणा जीवेंद्र आप ग्रह दृष्टि से एक होकर भी पर्याय दृष्टि से अनेक प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में आप अनेक नहीं है, आप पर्याय अपेक्षा अनेक अति सतना आखा जाता है, पर्याय अपेक्षा से अनेक होकर प्रतीत होने पर भी सब करना बेटे चाहिए या तो नहीं करना क्या, हम बात करेंगे जिन्होंने काम देखा है, अनेक भाषित होने पर भी प्रतीत होने पर भी एक, परंतु अनेक पर्यायों के संग्रह रूप नहीं हो, आप तो चेतन चमत्कार रूप एक है।
कैसे गलती हो गई, अनेक होकर भी, अनेक होकर नहीं, अनेक रूप दिखने पर, भाषित होने पर भी, प्रतीत होने पर भी आप एक ही दृष्टान्त दे रहे हैं। इसके लिए 200 नंबर की गाथा है प्रोत्साहन, प्रोत्साहन 200 नंबर की गाथा, मोह के द्वारा अनेक प्रकार से देखा जाए, मोह के कारण अनेक प्रकार से देखा गया, लेकिन मैं तो एक ही। प्रोफेसर पढ़ने लगे, बहुत सुंदर टीका है, मैं तो एक ही हूँ, लेकिन मोह के द्वारा अनेक प्रकार से देखा जाने पर भी एक, क्या कहा, मोह के द्वारा अनेक प्रकार से देखे जाने पर भी देख देखो कितने तो लोग व्यवहार है तुम्हारा, उनके कितने लोग व्यवहार है तो मध्य लोग मतलब परिचय है लोग व्यवहार का, तुम कौन है जी बता, तुम कौन, अब तुम आरोन का मानोगे तो आरोन की बुराई सुनते जी तुम्हें तकलीफ है, हाँ मैं आरोन की बुराई कहती महिला में लड़ाई क्या हो जाए, यदि देहरान में जुठाने की पीआर के गांव की बुराई करती, गांव की घर की नहीं, हम तो भाई छिंदवाड़ा कहूँ यहाँ सभी कहा है, अब छिंदवाड़ा की बहू, अब उसमें क्या तो होने का पता लग गया है, तो पहले से पता लग गया, कहे इसका मतलब तुम पर्याय आर्थिक नैसे क्यों देख रहे, तुम नहीं हो वहां के, कहे तुम पिछले जन्म में कहां के, उसके पहले जन्म में कहां के, वैसा में लड़ाई नहीं होती है, जैसे मेरे खमिया खरीद के पूरी मान उन्होंने कसू मिला, मैंने लगा नहीं खमिया, अब खमिया नाना की बुराई हो तो बिल्कुल आराम से जवाब दें, जो वाली दस रहेंगे आनंद कोई ध्यान रखना, ये अब क्या करें, लोग में तो लोग के ही रहने पड़ते, नहीं देखता हूँ सिखाना चाह रहे, लोग में रह करके भी लोग रू बनना मत करो, लोग में रहते हुए भी इस नौका से तरह कि तुम दृढ़ दृष्टि से एक हो, क्या कह रहे हैं ये ग्रंथ का भी पढ़ा जाए मंदिर के लाइफ, जब यहाँ से बैठ रहे सोचा दृढ़ दृष्टि से एक, नहीं नहीं डे टू डे लाइफ में पर्यायों के प्रवाह के बीच में संसार भागत में तुम एक ही अनुभव करो, है समझो है, बता दी बहुत दृष्टान दे दे करके, कभी साहबा कह दू लिखा कोई तुम्हें गधा कहे गाली देता है उत्तम समान प्रकरण, कोई गधा आदि तुम्हें गालियां दे, नार की कहे, पशु कहे, सुअर कहे, गालियां है उनमें, ऐसा कोई तुमसे कहे, उसने लिखा रणगढ़ साहब बता दी, तो उसने लिखा है तो ज्ञानी तो यही विचार करते हैं कि पूर्व निगम ने उसे सही किया, भूत निगम ने भूत नहीं मैंने सही कहा, हम कितनी बार नहीं बने, और ये बहुत उपकार कर रहे हैं ऐसा कहकर, ऐसा क्या ये हमारा बड़ा उपकार कर रहे हैं ऐसा कहकर, अब हम वेद विज्ञान कर रहे हैं तो भविष्य में हमें, और अभी भी हम यदि दुखी नहीं हो तो कुत्ता की तरह भौंके नहीं सूअर की तरह इससे नफरत ना करें, ये हमने जोड़ दिया ना, उन्होंने दे उपकार करता है तो क्या उपकार कर रहा है, जो उपकार करता है जैसा उन्होंने कहते कुत्ता हो कुत्ता सिद्ध हो जाए शांति सुअर, अरे अब इनसे प्रेम करो, घृणा नहीं करें, घृणा सुअर करें, अरे अपन सुअर खा दे, बाकी तो सही कह रहे हैं, भूत नगम नहीं पूर्व चार है जितना क्या क्या नहीं बने ना, उसने लिखा ना अंदर साहब बताए, अरे ये तो कम ही कह रहा है, अपन तो बहुत बने क्या कह रहे तो कम कह रहा है, कुत्ता बिल्ली जय दो चार ही तो कह रहे, सुगर बने हो जी बनी हो गई बने जी कहा ही कह रहे हैं, तो अपन तो कहीं को बने कहा कहा नहीं बने, अपन एक इंदी दो इंदी तीन इंदी चार इंदी कहा नहीं गए कहा नहीं बने, उस अपेक्षा तुम लोग सही कह रहे देखो जे हो एक देखना नहीं, हम एक अकेले में देख लेंगे, एक तो निपटा ही देंगे, तो तुम्हें निपटोगे वे नहीं निपटेंगे, तुम्हें निपट जाओगे संसार सागर, तुम डूब जाओगे, तुम्हें तुम्हारी तैयारी गड़बड़ हो जाएगी, अच्छे से समझ और चीज हाँ हाँ द्रव दृष्टि से एक, चलो ये बारह भावना पढ़ लो जैसे जी
दिमागा दो लाइन में सवाल प्रैक्टिकल है पर नहीं करी गौन गौन करो गौन करो मैंने उसे उर्द मत कर उर्द इसे करोगे ये को शुरू अंडरस्टैंड किया ना एक प्लस होना दे और सौ जूता मार के दे जूता तुमने नहीं होना दे बोलो ले गए नहीं रुपये बोलो है ले लो सौ जूता मारे हमें और बेबी गटर में भिड़ो के ले लो हाँ हाँ कैसे तुमने सोने के साथ उर्द कर दिया और सौ अपमानों को गौन कर दिया पर जय नहीं करी कौन सोना ले लिया ऐसे अपने को सत्यात्मा ग्रहण करो ऐसे अपने को सत्यात्मा अनुभव करो अरे मत देखो अंतिम बात है पर यार तुम नहीं तो सिद्ध भगवान उसे की नहीं हो इसलिए उन्हें नए नहीं तो ये कहीं का अनुभव कर रहे परमार्थ है हाँ परमार्थ का अनुभव कर देवी पर्याय से नहीं देख रहे खुद को भी और किसी को भी तुम भी दूसरों को भी और तुमको पर्याय से मत देखो ओम नमः शिवाय निज 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 आनंद का